सुबह सुबह कमला की छोटी बहू रसोई में खाना बनाने के बाद काम कर रही थी, तभी वो घड़ी में टाइम देखते हुए बोलती है, सबके आने का टाइम हो रहा है, जल्दी से बाकी का बचा हुआ काम भी खत्म कर देती हूँ। कुछ देर बाद कमला और उसकी बड़ी बहू निशा नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। बहू, क्या बनाया है आज तूने? मैंने आप सभी के लिए आज आलू पूरी बनाई है। लेकिन मैं तो आलू पूरी खाती ही नहीं। माँ जी, आपके लिए मैंने पोहा बनाया है, आपने मुझे बताया था ना कल। बिल्कुल सही, मैं जल्दी से लेकर आती हूँ, आप सभी बैठिए। आचल रसोई में जाती है, बाहर बैठी कमला और निशा आपस में हाई फाई करते हुए बोलते हैं, सही कहा था माँ जी आपने, देवरानी नहीं नुकरानी ला दी है आपने मुझे। इसको अपने घर की बहू बनाने से पहले मैंने हिसाब लगा लिया था कि अगर गरीब घर की लड़की आएगी तो नुकरानी बन कर रहेगी वो। कमला और निशा दोनों ही बड़े आलसी थे, सारा दिन आराम करना और सोना, बस यही काम उन्हें दोनों को अच्छे से आते थे, जिसके चलते अक्सर ही घर में कलेश हुआ करता था। इसलिए कमला ने छोटे बेटे मयंक की शादी गांव की एक बहुत ही गरीब लड़की आंचल से की थी। शादी के बाद से ही कमला और निशा ने आंचल को इतना ज्यादा दबा कर रखा हुआ था कि वो घर में सिर्फ नौकरानियों की तरह काम किया करती थी। दीदी, आपकी आलू पूरी और माँ जी आपका पोहा। हाँ हाँ ठीक है, बाकी के काम हो गए? माँ जी, कपड़े धो दिए हैं, सफाई भी कर दी है, बस थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी कर दूंगी। सारा काम करने के बाद भी मेरी अलमारी में जो मेरे कपड़े रखे हैं उन्हें प्रेस करके रख देना। अच्छा सुन, जठाने के कपड़े प्रेस हो जाए ना तो मेरे कमरे में आके मेरे पैर की मालिश कर दियो। नाश्ता करने के बाद कमला और निशा अपने अपने कमरे में आराम से जाकर सो जाती है और बेचारी आंचल सारा दिन पूरी मेहनत के साथ काम करती है। रात को जैसे ही मयंक कमरे में आता है तो वो आंचल को हक करते हुए कहता है, क्या बात है, ये चांद का टुकड़ा सारा दिन कहाँ बिजी रहता है? कहीं भी नहीं, मैं तो बस घर के काम करती हूँ। तो एक काम और करते हैं हम दोनों, उसमें तुम्हें भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा, मैं बस अभी आया। मयंक वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है, थकी हुई आंचल बेड पर बैठे ही सो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। मयंक बाहर आता है और वो आंचल को सोते हुए देखता है, उसके बाद वो भी सो जाता है। अगली सुबह मयंक गुस्से में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। आप मुझसे नाराज हो क्या रात के लिए? तुम जाओ और काम करो, बहुत काम है तुम्हें। आई एम सो सॉरी, मुझे सच में नहीं पता कि मुझे नींद ही कब आ गई। अरे काम तो मैं भी करता हूँ, फिर भी वक्त देने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा तो हर आदमी को अपने काम के साथ सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है ना। अच्छा सॉरी ना, आज से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए। आंचल बोल रही होती है तभी उसके कानों में आवाज आती है, अरे बहू कहाँ रह गई तू, जल्दी से यहाँ पर आ। माँ जी बुला रही है, आई एम सो सॉरी। आंचल भाग कर नीचे जाती है। जी जी माँ जी, कहिए क्या हुआ? होना क्या है, अभी तक घर का काम नहीं हुआ तुझसे? रसोई में सारे बर्तन पड़े हुए जूठे, ये सब कौन करेगा? ठीक है माँ जी, मैं अभी कर देती हूँ, आप चिंता मत करिए। बाकी सब कुछ बाद में करना, पहले मेरे कमरे की सफाई करो, सारे नए पर्दे लगा दो, बेडशीट भी नहीं बिछा दो, उसके बाद ये हॉल के सोफे के कवर भी धो दो। जी दीदी, मैं अभी कर देती हूँ। आंचल जल्दी से एक एक करके घर का सारा काम करती है। शाम ढल जाती है और सारा दिन बेचारी आंचल दो वक्त समय निकाल कर खाना भी नहीं खा पाती। इसमें भी जरा सी गलती होने पर कमला आंचल को सुनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ऐसी एक शाम आंचल अपने कमरे में बैठी थी। मैं इतना सब कुछ करती हूँ, सारे काम करती हूँ, खाना पीना भूल कर भी ना बस अपने ससुराल वालों की सेवा करने में लगी रहती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझे ऐसे बोलती है, और मेरी जेठानी ने तो कभी मुझे अपनी देवरानी समझा ही नहीं है। जब से मैं इस घर में आई हूँ बस नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, अगर माँ बाबूजी की इज्जत का सवाल ना होता ना तो मैं ये सब कभी नहीं सहती। खुद से बातें करते हुए आंचल फिर से अपने काम में लग जाती है और पिछली रात की तरह आज भी उसकी थकावट की वजह से उसे नींद आ जाती है, जिससे उसके पति का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। इसके बाद मयंक सुबह बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए रवाना हो जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, हर दिन के साथ साथ निशा और कमला का आंचल से इतना ज्यादा काम करवाते रहना और उसकी हालत खराब हो जाना दोनों ही आम हो चला था, जिसकी वजह से मयंक और आंचल के संबंध भी बिगड़ने लगे थे। ऐसी एक दिन कमला और निशा पार्लर में फेशियल करवा रही होती है। हमारी छोटी बहू तो एकदम लॉटरी की टिकट जैसी है हमारे लिए। बिल्कुल सही, जब से वो आई है ना मैं तो कहती हूँ कि जीवन का हर सुख आ गया है,
अरे अब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, सब कुछ किया कराया मिलता है। बस ऐसे ही आंचल को अपनी मुट्ठी में रखना है ताकि हमारे इशारे पर नाचती रहे। उन दोनों की ये सारी बातें बैठी पार्लर में उनकी पड़ोसन अनीता सुन रही थी। निशा और कमला का ध्यान अनीता पर नहीं जाता। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अब अनीता सीसीटीवी कैमरे की तरह कमला के घर पर नजर रखना शुरू करती है और आंचल की बुरी हालत देखकर एक दिन वो अपने घर में खुद से बोलती है, ये तो बड़ा गलत कर रही है कमला अपनी बहू के साथ। ये दोनों सास बहू मिलकर घर की छोटी बहू को नौकरानी बनाकर अपने सारे हुक्म मनवा रही है और बेचारी छोटी बहू उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रही है। मुझे आंचल से बात करनी होगी। ऐसी एक दिन आंचल बाजार से आ रही थी तभी अनीता उसे रोकते हुए कहती है, बहू रुक, तुझसे कुछ बात करनी है। जी आंटी जी, कहिए क्या बात है। बहू तू पागल है क्या, तुझे अपने हक का अपने अधिकार का कुछ पता नहीं है क्या? क्यों तू अपनी सास और अपनी जेठानी की इतनी ज्यादा गुलामी कर रही है? आंटी जी ये आप क्या कह रही हो, कहीं अगर मेरी सास या फिर जेठानी जी ने सुन लिया तो? अरे यहाँ पर कोई नहीं है जो सुनेगा। देख बहू, तू उस घर की बहू है, नौकरानी नहीं है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि अपने लिए आवाज उठा और हक जता। आपको कोई गलत फहमी होगी, मेरी सास और मेरी जेठानी तो मुझे बहुत ज्यादा खुश रखती हैं। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि वो तेरे साथ कैसा सुलूक करती है, फिर झूठ क्यों बोल रही है तू? नहीं नहीं, आपको देखा कभी सच सच नहीं होता है। मैं जा रही हूँ, दोबारा से मुझे ऐसे भड़काने की कोशिश मत करना। आंचल चली जाती है और अनीता समझ जाती है कि आंचल के दिल में अपनी सास और जेठानी का कितना डर है, इसी वजह से वो अपना मुंह भी नहीं खोल रही। पर अनीता भी भला कहाँ टिकने वाली थी, नौकरानी बनी देवरानी को इंसाफ दिलाने के लिए अनीता सीधा जाकर मयंक से बात करती है, जिसे सुनने के बाद मयंक बोलता है, अच्छा तो यह बात है, तभी मैं कहूँ कि आंचल हर रात इतना जल्दी क्यों सो जाती है। बेटा तेरी बहू बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी माँ और तेरी भाभी ने बेचारी की ऐसी हालत कर दी है, अब तू ही है जो अपनी पत्नी को आजाद करवा सकता है। आंटी मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यह सारी बात बताने के लिए। अगले दिन आंचल काम कर रही थी, वहीं कमला और निशा बैठकर बातें कर रही होती हैं। तभी मयंक उन दोनों के पास आता है और उनसे बोलता है, माँ भाभी मैं और आंचल कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो और कब जा रहे हो? जाना जरूरी है क्या, कोई जरूरी काम है? अरे आंचल मेरी बीवी है और मैं उसे घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। पर आपने तो कुछ पहले बताया ही नहीं कि हमें कहीं जाना भी है। पहले नहीं बताया लेकिन अब तो बता दिया ना, जाओ जाकर कमरे में तैयारी शुरू करो, आज हम शाम को ही निकल जाएंगे। पर मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं चली गई तो घर का काम कौन करेगा और बाकी की चीजें कौन देखेगा? माँ और भाभी करेंगे और कौन करेगा? अरे बेटा मैं तो बुजुर्ग हो गई हूँ, अब इस उम्र में मुझसे कहाँ काम होगा। और मेरी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, मैं भी नहीं कर पाऊंगी काम। तो देखा आपने, मेरे बिना घर नहीं चलेगा। एक काम करिए, आप अकेले ही चली जाइए। बस करो आंचल, और माँ भाभी आपको शर्म नहीं आती क्या जरा सी भी? आप चाहे तो घर के सारे काम तीन हिस्सों में बराबर बांट सकती हैं, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी को घर का नौकर बनाकर रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता? अरे आप क्या कह रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आंचल मुझे सब कुछ पता चल गया है, जरा अपने हाथ पैर देखो कैसे सूज गए हैं। आप दोनों लोगों को जरा सा भी तरस नहीं आता आंचल पर, इस इंसान से ऐसे गधे घोड़ों की तरह काम करवाते हो आप लोग, हद होती है, आलस की भी कोई हद होती है। इतनी कामचोरी आप लोगों के ऊपर अच्छी नहीं लगती है, और मुझे आप लोगों से यह उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। सच सामने आने के बाद कमला और निशा की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद दोनों आंचल से माफी मांगते हैं, और उस दिन के बाद से दोनों आंचल के काम में उसकी पूरी मदद करवाती, और अब घर की देवरानी नौकरानी नहीं बल्कि देवरानी ही थी, और उसकी हैसियत में अपने हिस्से के सारे काम आते थे। सुबह के 10 बजे का वक्त था, पायल अपने घर का सारा काम खत्म करके बैठी ही थी कि अचानक से उसकी माँ का कॉल आ जाता है, और वो खुशी खुशी कॉल उठाते हुए बोलती है, हेलो माँ कैसी हो आप, आज सुबह सुबह कॉल कैसे कर दिया? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज तेरी सरला चाची आ रही है तो सोचा तुझे बता दूँ। अच्छा सरला चाची, मेरा तो बहुत मन कर रहा था कि चाची जी से मिल लूं।
तो आ जा, आज शाम को यहाँ दो दिन रह भी लियो। हाँ माँ ठीक है, आज शाम को ही आऊँगी। वैसे भी कौन सा दूर है मेरा मायका। हाँ और क्या, ये दो कदम रखा है तेरा मायका, थोड़ा जल्दी आ जाइयो। ठीक है ठीक है माँ, माँ जी को बोल दूंगी कि दो दिन के लिए मायके जा रही हूँ, अब मैं फोन रखती हूँ। पायल इतना बोलकर फोन रख देती है और अपनी सास कांता के कमरे में चली जाती है। पायल अपनी सास के पास बैठकर बोलती है, माँ जी आज मैं शाम को अपने मायके जा रही हूँ, तो आप दो दिन ना घर को संभाल लेना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तूने, हर दूसरे दिन अपने मायके चली जाती है। ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं, कभी शाम को सब्जी के बहाने माँ के घर चली जाएगी और एक एक हफ्ते तक घर में आने का नाम नहीं लेगी। कोई आ जाता है तो उससे मिलने चली जाती है। अब आज तेरी सरला चाची आ रही है तो फिर जा रही है, कुछ मिलता है क्या तुझे वहाँ पर। हाँ माँ जी मुझे वहाँ सुकून मिलता है, आपकी किचकिच नहीं सुननी पड़ती ना, मेरी मामा से कोई काम भी नहीं करवाती है। देख मैं तुझे समझा रही हूँ, हर समय मायके जाना अच्छी बात नहीं है, ये तेरा घर है, यहाँ पर रह तू, अपने ससुराल से ज्यादा तो तू अपने मायके में रहती है। आप तो मायके की बात ही मत करो, आपका खुद का तो मायका है नहीं इसलिए मना करती रहती हो। और हाँ आज मैं अपनी माँ से मिलने जाऊंगी और दो दिन बाद ही वापस आऊंगी। कांता को पायल की बात बहुत बुरी लगती है पर वो उसको कुछ नहीं बोलती है और पायल बोलकर वहाँ से चली जाती है और शाम को अपनी माँ से मिलने चली जाती है और दो दिन बाद अपने ससुराल वापस आती है। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और एक दिन अचानक से कांता के घर में उसके भाई का फोन आता है। उस कॉल को पायल उठाती है और बोलती है, हेलो कौन। अरे बहना मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं तेरा भाई मिथिलेश बोल रहा हूँ, आज तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए मैंने कॉल कर लिया। भाई किसका भाई, मेरा तो कोई भाई ही नहीं है, और आप है कौन, आपको बात कैसे करनी है। बहू मुझे तेरी सास कांता से बात करनी है, मैं तेरा मामा ससुर बात कर रहा हूँ। क्या माँ जी का भी मायका है, उन्होंने तो कभी हमें इस बारे में नहीं बताया। अरे कोई बात नहीं बहू, जरा अपनी सास से बात करवा दे। पायल अपनी सास को आवाज लगाती है और बोलकर अपनी सास को फोन थमाकर वहाँ से चली जाती है। कांता फोन लेती है और बोलती है, हेलो कौन। अरे छोटी मुझे पहचाना तूने, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। भैया आप आज फोन कैसे किया आपने, इतने दिनों बाद, आपको अपनी छोटी की याद नहीं आई क्या। याद तो बहुत आई छोटी, पर कोई बहाना ही नहीं मिला तुझसे बात करने का, पर अब तुझसे मिलने का बहाना मिल गया है, तेरे भतीजे की शादी है और तुझे आना ही होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जल्दी से आने की तैयारी करती हूँ। कांता इतना बोलकर कॉल काट देती है और खुशी खुशी अपने कमरे में जाने लगती है। कांता को खुश देखकर पायल बोलती है, क्या हो गया माँ जी, कोई लॉटरी लग गई है क्या आपकी जो इतना खुश हो रही हो। अरे बहू खुशी की बात है, कल मैं अपने मायके जा रही हूँ, चल अब परेशान मत कर, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। अब कांता अपने कमरे में चली जाती है और पायल बाहर बैठकर खुद से बोलती है, अरे वाह अब माँ जी अपने मायके और यहाँ मेरी ऐश, क्या बात है, अब तो मैं अपनी मर्जी से चलाऊंगी घर, जब मन करेगा तब सोकर उठूंगी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। चल पायल अपनी सास की थोड़ी मदद करा मायके जाने में। पायल कांता के कमरे में जाकर उसकी मदद करवा देती है। कांता मायके जाने की सारी तैयारी कर लेती है और अगली सुबह वो अपने मायके जाने के लिए निकलती है। अच्छा बहू मैं अपने मायके जा रही हूँ, तू घर का अच्छे से ध्यान रखियो, अब मैं दो महीने बाद ही आऊँगी। माँ जी आप जाओ मायके के मजे लो, बाकी मैं यहाँ सब देख लूँगी। देख ले बहू मुझे बिल्कुल भी याद मत करियो, क्योंकि अब मैं दो महीने के बाद ही आऊँगी, ठीक है। अरे अरे बिल्कुल भी नहीं, चिंता मत करो, आपको तो मैं कॉल करके ना कोई तकलीफ ही नहीं दूंगी। ठीक है चलती हूँ मैं फिर। कांता अपनी गाड़ी में बैठकर चली जाती है और पायल भी अपनी सास को विदा करके अंदर आ जाती है और सोफे पर मालकिन की तरह पड़ जाती है कि अब तो उसके मजे हैं, घर पर कोई भी उसको परेशान करने वाला नहीं था। पायल पूरे दिन कुछ नहीं करती है, दिन के गंदे बर्तन भी ऐसे ही छोड़ देती है और तो और रात का खाना भी बाहर से ही मंगवाकर सबको खिला देती है। और आए दिन ऐसे ही क्या करती, अब हर रोज ऐसे ही निकल जाता है, वो हर काम अपनी मर्जी से करती, अपनी मर्जी से सोकर उठती, दिन गुजर जाते। अब उसकी सास को गए हुए एक हफ्ते हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन पायल सो रही होती है और तभी उसके ससुर की आवाज आती है और वो कहता है, अरे कांता एक बढ़िया सी चाय तो पिला दो। अरे कांता तो मायके गई है। अरे बहू ओ बहू
जरा एक कप चाय तो बना दो मेरे लिए। मुकेश की आवाज सुनकर पायल उठ जाती है। क्या है, इन लोगों को चैन नहीं है क्या? सोने भी नहीं देते हैं। सास गई है पर माथे पर ससुर छोड़कर चली गई। चल चाय बनाकर दोबारा सो जाऊंगी। पायल इतना बोल ही रही होती है कि मुकेश की आवाज दोबारा आ जाती है। उसको सुनकर नीचे आती है और सबके लिए चाय बनाकर मुकेश को दे देती है और अपने कमरे में जाने लगती है। तभी मुकेश उसको पीछे से आवाज देता है। अरे ओ बहुरिया, तनिक बिस्कुट भी दे दो और हाँ खाना भी बनाई लो। नहीं पापा जी, मुझसे नहीं होगा खाना बनाना, बाहर से मंगवा कर खा लेंगे। अरे बहुरिया, कब तक बाहर का खिलाओगी? हमारे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, जरा कुछ घर में ही बना दो। ठीक है बना दूंगी, फिर उसके बाद कोई और काम मत कहना मुझे। हाँ सब ठीक बा, कोई और काम के लिए नहीं बोलोगे ना। और हाँ तनिक घर को साफ भी कर देना, कांता के जाने के बाद घर बड़ा ही गंदा पड़ा हुआ है। जी पापा जी। पायल इतना बोलकर वहाँ से खाना बनाने चली जाती है और रसोई का सारा काम खत्म करके वो बाकी घर की सफाई में लग जाती है और काम खत्म करके सोने चली जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन तक मुकेश पायल को सुबह सुबह परेशान कर देता था। एक दिन पायल को गुस्सा आता है और वो खुद से बोलती है। माँ जी जब से गई हैं, इन लोगों ने तो मेरा जीना ही हराम कर दिया है। कभी ये लाओ कभी वो कर दो। सोचा था माँ जी के जाने के बाद घर में ऐश करूंगी, पर यहाँ तो अनपेड नौकर बनकर रह गई हूँ। 2 महीने हो गए हैं माँ जी को गए हुए, अभी तक वो नहीं आई। कहाँ हो माँ जी आप, जल्दी से आ जाओ। पायल इतना बोल ही रही होती है कि तभी दरवाजे की बेल बजती है और पायल जाकर दरवाजा खोलती है और दरवाजे पर अपनी सास को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है। माँ जी आप आ गई, लाइए अपना सामान मुझे दीजिए। तेरी खुशी देखकर तो लग रहा है तू बहुत याद कर रही थी। सच बता, याद कर रही थी ना मुझे? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, मैंने तो बहुत मजे किए। तेरी खुशी देखकर तो लग ही रहा है। चल ठीक है अंदर आने दे, बहुत थक गई हूँ मैं, थोड़ा आराम कर लूँ। इतना बोलकर कांता घर के अंदर आती है और अपने घर की हालत देखकर चौंक जाती है और पायल को बोलती है। हाय सत्यानाश, ये क्या हाल बना रखा है तूने घर का? सच में तूने ज्यादा ही मजे किए हैं, पूरा घर का नाश कर दिया। इतना सारा कूड़ा धूल, सफाई तक नहीं करती थी क्या? रसोई भी इतनी गंदी है, कुछ किया है तूने 2 महीने में या नहीं? या तू भी अपने मायके चली गई थी? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब एहसास हुआ कि मेरे जाने के बाद आपको कितना सारा काम करना पड़ता था। पापा जी को तो 2 टाइम की चाय, सारे घर का काम। मैंने तो सोचा था आप जाओगी तो मेरे मजे होंगे, पर मैं तो परेशान ही हो गई। मुझे माफ कर दो, अब से मैं मायके नहीं जाऊंगी। अच्छा तो अब एहसास हुआ कि मायके जाने के बाद मेरा क्या होता है। चल अब ये सब छोड़ और मेरा सामान जाकर मेरे कमरे में रख। दिनों देर रात नशे की हालत में मोहन को लेकर उसके घर आता है। जैसे तैसे संभालते हुए उसके घर की डोरबेल बजाता है। तभी उसकी माँ सरला दरवाजा खोलती है और सामने अपने बेटे मोहन को नशे की हालत में देखकर कहती है। मोहन तुझे क्या हो गया, तू नशा करके आया है क्या? अरे कुछ तो बोल। वो आंटी जी इसको। अरे आगे कुछ बोलेगा भी या फिर इसको पर ही अटका रहेगा? आंटी मैं वो। तू क्या मैं बकरे की तरह कर रहा है? और माँ आप भी कितना सवाल पूछती हो। कुछ नहीं हुआ है, वो तो मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए ये मुझे घर छोड़ने आया है। अच्छा लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही मामला लग रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तू दारू पी कर आया है। कैसी बात कर रही हो माँ, आपको तो पता है ना कि मैं दारू तो बिल्कुल भी नहीं पीता, फिर भी आप मुझ पे शक कर रही हो। अच्छा तो मेरे सर की कसम खाकर बोल कि तूने दारू नहीं पी है। माँ आपके सर की कसम, मैंने दारू नहीं पी है। अभी रास्ते में एक चूहे को मरा देख लिया था इसलिए मुझे चक्कर आ गया। लेकिन पर माँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे कमरे में जाने दो। मोहन अपनी माँ को साइड करता है और विनोद के साथ कमरे की तरफ जाने लगता है। सरला दरवाजे पर खड़ी खुद से कहती है। कमाल है, आजकल के बच्चे चूहे के मरने पर बेहोश होने लग गए। मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है लेकिन इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेता है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही झूठ बोलते थे। खैर
मुझे तो अब नींद आ रही है। सरला इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनोद और मोहन कमरे में बात करते हैं। तभी मोहन कहता है, देख भाई, माँ को ऐसे झूठ बोला है कि वो मेरे झूठ को पकड़ी नहीं पाई। साले नॉन वेजिटेरियन इंसान, जो लड़का मुर्गे को राक्षस बन के खाता हो, वो लड़का एक चूहे को मरा हुआ देख कर बेहोश हो जाएगा। भाई झूठ तो बोला गा सही से। भाई उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया, और वैसे भी माँ को मेरी बातों पर विश्वास हो गया है, तू टेंशन ना ले। अब सच में तेरे जैसा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता। लेकिन देखियो, एक दिन तू फंसेगा। जानी, मेरा नाम मोहन है और मेरे पास झूठ का पिटारा है। एक झूठ पकड़ा जाएगा तो मैं दूसरा झूठ बोलने को तैयार रहता हूँ। हाँ, जिस दिन तेरे पिटारे की गांठ खुल गई ना, वो तेरे झूठ का आखिरी दिन होगा। तू साले ज्ञान मत दे, सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने दे। मोहन इतना बोलकर सो जाता है। वक्त गुजरता है और मोहन के ऑफिस में प्रिया नाम की लड़की आती है। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिया को देखते ही मोहन उस पर अपना दिल हार बैठता है और उसके पास जाता है। हेलो मिस। ओ हेलो, आई एम प्रिया। ओ नाइस नेम प्रिया, वैसे मेरा नाम मोहन है। लगता है आज ही ऑफिस में ज्वाइन किया है आपने। जी बिल्कुल, इस ऑफिस में मेरा पहला दिन है। वो क्या है ना, मैं कोई बात नहीं, इस ऑफिस के बॉस से मेरी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बोल देना। आप तो ये मान लीजिए कि मेरा बॉस मेरे बचपन का दोस्त है। ये इतना झूठ क्यों बोल रहा है, इस ऑफिस की नई बॉस तो मैं हूँ, मुझसे पहले मेरी बहन बॉस थी। और ये उसका दोस्त कैसे, इतना सफेद झूठ। पक्का ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं कब तक ये मुझसे झूठ बोलता है। हेलो मिस प्रिया, क्या हुआ, आप किसके ख्यालों में खो गई? आपको अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगी क्या? अरे नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे मैंने सुना है इस ऑफिस का बॉस बहुत ही खड़ूस है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। फिर वो आपसे? ये तो बात होती है एक दोस्त और बॉस में। वो मेरी दोस्त है इसलिए वो मुझे हमेशा से अपने पलकों पर बिठा कर रखती है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इतना सब बता रहे हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बड़े ही भरोसे से बता रहा हूँ, आप किसी को बोलना नहीं। आपको पता है इस ऑफिस में कोई नई बॉस आने वाली है, मैंने सुना है वो बहुत ही खड़ूस है और घटिया किस्म की औरत है। अच्छा, मैं भी आपको एक राज की बात बताऊं, आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। आपको पता है अभी आप जिसके आगे खड़े होकर नई बॉस की बुराई कर रहे हैं ना, वो ही आपकी नई बॉस है। प्रिया के इतना बोलते ही मोहन वहाँ से भाग जाता है और कुछ दिनों तक प्रिया के आसपास भी नहीं भटकता। दिन बीतते हैं और प्रिया मोहन को अपना असिस्टेंट बना लेती है और उसके साथ अपना समय बिताया करती। धीरे धीरे वो मोहन को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया के पर्स में मोहन को उसकी फोटो मिलती है और वो समझ जाता है कि प्रिया उसे पसंद करती है। ऐसे ही एक दिन मोहन प्रिया के पर्स में चिट्ठी रख देता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। और मेरी जान कैसा है? क्या हुआ भाई, तू और मेरा हालचाल पूछ रहा है? सब ठीक तो है ना? वैसे खुश लग रहा है, क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई क्या? बस यही समझ ले, मेरी बॉस मेरे प्यार में पड़ गई है, अब बस इजहार करना बाकी रह गया है। अच्छा, जब तक वो तुझे प्रपोज ना करे ना, तब तक ज्यादा मत सोच। वो जरूर आएगी, चला पका मत मुझे, तेरी भाभी आती ही होगी अपने प्यार का इजहार करने। मोहन इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। तो वहीं प्रिया अपने घर जाती है और फ्रेश होकर अपने पर्स से फोन निकालने लगती है। तभी उसको अपने पर्स में मोहन की चिट्ठी दिखती है और वो पढ़ने लगती है, जिसमें मोहन ने एक लड़की की तारीफ पढ़कर प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो मोहन के घर पहुंच जाती है। मोहन कहाँ हो तुम? क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ, वो भी इतनी रात को, कोई काम था क्या? तुम अपनी जान की चिट्ठी मेरे पर्स में रखकर भूल गए थे, वही देने आई हूँ, तुम्हारे इस चिट्ठी का इंतजार कर रही होगी। जान, हाय किस बला का नाम ले लिया तुमने, जान से तो आंखें हटती ही नहीं मेरी। अगर मैं फूल हूँ तो जान खुशबू है, अगर मैं जिंदगी हूँ तो जान सांसे है, अगर मैं दिल हूँ तो किडनी है। हाँ समझ गई, अगर तुम कुकर हो तो वो सीटी है, अगर तुम टीवी हो तो वो रिमोट,
तुम्हारी जान की ही बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। अरे मेरे पास जान की एक फोटो है, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन फोटो अपने घर जाकर देखना, क्योंकि जान की तस्वीर देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। मोहन प्रिया को एक रैपर में पैक चीज देता है और प्रिया वहाँ से अपने घर जाती है। प्रिया के जाते ही मोहन खुद से कहता है, मछुआरा जाल फेंके और मछली ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंतजार तो कल का है, जब पगली मेरे प्यार में पागल होकर मुझे प्रपोज करेगी। मोहन खुद से इतना बोलकर सोने चला जाता है और वहीं प्रिया अपने घर पहुंचकर खुद से कहती है, जान ये है, जान वो है, प्यार तो वो अपनी जान से करता है, मैं तो बस मीरा बनकर रह गई, पता नहीं क्या इस जान में मुझसे अच्छी होगी। तभी तो प्रिया रोते हुए रैपर खोलती है तो खुद की फोटो देखकर खुश हो जाती है और अगले दिन ही ऑफिस में सबके सामने मोहन को प्रपोज कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और प्रिया अपनी सारी प्रॉपर्टी मोहन के नाम कर देती है। ऐसे में एक दिन विनोद मोहन के घर आता है। और मोहन कैसा है तू, और भाभी कैसी है? सब सही है, मैं तुझे कहता था ना, प्रिया मेरे प्यार में इतनी पागल हो गई है कि शादी के साथ साथ मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाना चाहती है, और बना भी दिया। अच्छा एक बात बता, तू प्रिया से सच में प्यार करता है या फिर कोई और बात है? प्यार तो मैं प्रिया से बहुत करता हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मैं उसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ। उसको पटाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। मोहन की ये बात प्रिया सुन लेती है और मोहन को थप्पड़ मारती है। तुम इतने गिरे हुए है वो मुझे पता नहीं था, तुम मुझसे ज्यादा मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते थे। मैं तुम्हें और घर दोनों को छोड़कर जा रही हूँ, अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। प्रिया इतना बोलकर घर छोड़कर चली जाती है और मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। तुझे देखकर ना मुझे एक कहावत याद आ गई, रुक गा कर बताता हूँ। कौन कहता है मुँह काला है झूठ का, सच है ये बोल बाला है झूठ का। दिनों देर रात नशे की हालत में मोहन को लेकर उसके घर आता है। जैसे तैसे संभालते हुए उसके घर की डोरबेल बजाता है, तभी उसकी माँ सरला दरवाजा खोलती है और सामने अपने बेटे मोहन को नशे की हालत में देखकर कहती है, मोहन तुझे क्या हो गया, तू नशा करके आया है क्या? अरे कुछ तो बोल। वो आंटी जी इसको। अरे आगे कुछ बोलेगा भी या फिर इसको पर ही अटका रहेगा? आंटी मैं वो तू क्या मैं बकरे की तरह कर रहा है, और माँ आप भी कितना सवाल पूछती हो। कुछ नहीं हुआ है, वो तो मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था, इसलिए ये मुझे घर छोड़ने आया है। अच्छा, लेकिन मुझे तो कुछ अलग ही मामला लग रहा है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तू दारू पी कर आया है। कैसी बात कर रही हो माँ, आपको तो पता है ना कि मैं दारू तो बिल्कुल भी नहीं पीता, फिर भी आप मुझ पे शक कर रही हो। अच्छा तो मेरे सर की कसम खाकर बोल कि तूने दारू नहीं पी है। माँ आपके सर की कसम, मैंने दारू नहीं पी है, अभी रस्ते में एक चूहे को मरा देख लिया था, इसलिए मुझे चक्कर आ गया। लेकिन पर माँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मुझे कमरे में जाने दो। मोहन अपनी माँ को साइड करता है और विनोद के साथ कमरे की तरफ जाने लगता है। सरला दरवाजे पर खड़ी खुद से कहती है, कमाल है आजकल के बच्चे चूहे के मरने पर बेहोश होने लग गए। मुझे पता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेता है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही झूठ बोलते थे। खैर मुझे तो अब नींद आ रही है। सरला इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विनोद और मोहन कमरे में बात करते हैं, तभी मोहन कहता है, देख भाई माँ को ऐसे झूठ बोला है कि वो मेरे झूठ को पकड़ ही नहीं पाई। साले नॉन वेजिटेरियन इंसान, जो लड़का मुर्गे को राक्षस बन के खाता हो, वो लड़का एक चूहे को मरा हुआ देखकर बेहोश हो जाएगा। अबे भाई झूठ तो बोलागा सही से। भाई उस वक्त मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया, और वैसे भी माँ को मेरी बातों पर विश्वास हो गया है, तू टेंशन ना ले। अब सच में तेरे जैसा झूठा मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी माँ तक को नहीं छोड़ता, लेकिन देखियो एक दिन तू फंसेगा। जानी मेरा नाम मोहन है और मेरे पास झूठ का पिटारा है, एक झूठ पकड़ा जाएगा
तो मैं दूसरा झूठ बोलने को तैयार रहता हूँ। हाँ, जिस दिन तेरे पिटारे की गांठ खुल गई ना, वो तेरे झूठ का आखिरी दिन होगा। तू साले ज्ञान मत दे, सर में वैसे ही बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोने दे। मोहन इतना बोलकर सो जाता है। वक्त गुजरता है और मोहन के ऑफिस में प्रिया नाम की लड़की आती है। प्रिया बहुत ही खूबसूरत थी। प्रिया को देखते ही मोहन उस पर अपना दिल हार बैठता है और उसके पास जाता है। हेलो मिस। ओ हेलो, आई एम प्रिया। ओ नाइस नेम प्रिया, वैसे मेरा नाम मोहन है। लगता है आज ही ऑफिस में ज्वाइन किया है आपने। जी बिल्कुल, इस ऑफिस में मेरा पहला दिन है। वो क्या है ना, मैं कोई बात नहीं, इस ऑफिस के बॉस से मेरी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बोल देना। आप तो ये मान लीजिए कि मेरा बॉस मेरे बचपन का दोस्त है। ये इतना झूठ क्यों बोल रहा है? इस ऑफिस की नई बॉस तो मैं हूँ, मुझसे पहले मेरी बहन बॉस थी। और ये उसका दोस्त कैसे? इतना सफेद झूठ। पक्का ये मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं कब तक ये मुझसे झूठ बोलता है। हेलो मिस प्रिया, क्या हुआ? आप किसके ख्यालों में खो गई? आपको अपने बॉयफ्रेंड की याद आने लगी क्या? अरे नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। वैसे मैंने सुना है इस ऑफिस का बॉस बहुत ही खड़ूस है, किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। फिर वो आपसे? ये तो बात होती है एक दोस्त और बॉस में। वो मेरी दोस्त है इसलिए वो मुझे हमेशा से अपने पलकों पर बिठा कर रखती है। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप इतना सब बता रहे हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बड़े ही भरोसे से बता रहा हूँ, आप किसी को बोलना नहीं। आपको पता है इस ऑफिस में कोई नई बॉस आने वाली है। मैंने सुना है वो बहुत ही खड़ूस है और घटिया किस्म की औरत है। अच्छा, मैं भी आपको एक राज की बात बताऊं। आप इस बात को अपने दिमाग में डाल लेना। आपको पता है अभी आप जिसके आगे खड़े होकर नई बॉस की बुराई कर रहे हैं ना, वो ही आपकी नई बॉस है। प्रिया के इतना बोलते ही मोहन वहाँ से भाग जाता है और कुछ दिनों तक प्रिया के आसपास भी नहीं भटकता। दिन बीतते हैं और प्रिया मोहन को अपना असिस्टेंट बना लेती है और उसके साथ अपना समय बिताया करती। धीरे धीरे वो मोहन को पसंद करने लगी थी। ऐसे ही एक दिन प्रिया के पर्स में मोहन को उसकी फोटो मिलती है और वो समझ जाता है कि प्रिया उसे पसंद करती है। ऐसे ही एक दिन मोहन प्रिया के पर्स में चिट्ठी रख देता है और अपने दोस्त को कॉल करता है। और मेरी जान कैसा है? क्या हुआ भाई, तू और मेरा हालचाल पूछ रहा है? सब ठीक तो है ना? वैसे खुश लग रहा है, क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई क्या? बस यही समझ ले, मेरी बॉस मेरे प्यार में पड़ गई है, अब बस इजहार करना बाकी रह गया है। अच्छा, जब तक वो तुझे प्रपोज ना करे ना, तब तक ज्यादा मत सोच। वो जरूर आएगी, चला पका मत मुझे, तेरी भाभी आती ही होगी अपने प्यार का इजहार करने। मोहन इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। तो वहीं प्रिया अपने घर जाती है और फ्रेश होकर अपने पर्स से फोन निकालने लगती है। तभी उसको अपने पर्स में मोहन की चिट्ठी दिखती है और वो पढ़ने लगती है, जिसमें मोहन ने एक लड़की की तारीफ पढ़कर प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो मोहन के घर पहुंच जाती है। मोहन कहाँ हो तुम? क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ? वो भी इतनी रात को, कोई काम था क्या? तुम अपनी जान की चिट्ठी मेरे पर्स में रखकर भूल गए थे, वही देने आई हूँ। तुम्हारे इस चिट्ठी का इंतजार कर रही होगी। जान? हाय किस बला का नाम ले लिया तुमने, जान से तो आंखें हटती ही नहीं मेरी। अगर मैं फूल हूँ तो जान खुशबू है, अगर मैं जिंदगी हूँ तो जान सांसे है, अगर मैं दिल हूँ तो वो किडनी है। हाँ समझ गई, अगर तुम कुकर हो तो वो सीटी है, अगर तुम टीवी हो तो वो रिमोट। तुम्हारी जान की ही बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। अरे मेरे पास जान की एक फोटो है, अगर तुम चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन फोटो अपने घर जाकर देखना, क्योंकि जान की तस्वीर देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है। मोहन प्रिया को एक रैपर में पैक चीज देता है और प्रिया वहाँ से अपने घर जाती है। प्रिया के जाते ही मोहन खुद से कहता है, मछुआरा जाल फेंके और मछली ना फंसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंतजार तो कल का है, जब पगली मेरे प्यार में पागल होकर मुझे प्रपोज करेगी। मोहन खुद से इतना बोलकर सोने चला जाता है और वहीं प्रिया अपने घर पहुंचकर खुद से कहती है, जान ये है, जान वो है, प्यार तो वो अपनी जान से करता है, मैं तो बस मीरा बनकर रह गई। पता नहीं क्या इस जान में,
मुझसे अच्छी होगी तभी तो। प्रिया रोते हुए रैपर खोलती है तो खुद की फोटो देखकर खुश हो जाती है और अगले दिन ही ऑफिस में सबके सामने मोहन को प्रपोज कर देती है और कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और प्रिया अपनी सारी प्रॉपर्टी मोहन के नाम कर देती है। ऐसे में एक दिन विनोद मोहन के घर आता है। और मोहन कैसा है तू और भाभी कैसी है? सब सही है, मैं तुझे कहता था ना प्रिया मेरे प्यार में इतनी पागल हो गई है कि शादी के साथ साथ मुझे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का मालिक भी बनाना चाहती है और बना भी दिया। अच्छा एक बात बता, तू प्रिया से सच में प्यार करता है या फिर कोई और बात है? प्यार तो मैं प्रिया से बहुत करता हूँ लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार मैं उसकी प्रॉपर्टी से करता हूँ। उसको पटाने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। मोहन की ये बात प्रिया सुन लेती है और मोहन को थप्पड़ मारती है। तुम इतने गिरे हुए हो मुझे पता नहीं था, तुम मुझसे ज्यादा मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते थे। मैं तुम्हें और घर दोनों को छोड़कर जा रही हूँ, अपनी ये शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। प्रिया इतना बोलकर घर छोड़कर चली जाती है और मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है। तुझे देखकर ना मुझे एक कहावत याद आ गई, रुक गाकर बताता हूँ। कौन कहता है मुँह काला है झूठ का, सच है ये बोलबाला है झूठ का। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।